विकास दिवस के रूप में मनाया गया नीतीश कुमार का जन्मदिन। रंगरा के भवानीपुर गांव स्थित बूथ नंबर 139 पर नीतीश कुमार का जन्मदिन समारोह पूर्वक केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व गोपालपुर विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती कर रहे थे। सभा की अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष कुंदन कुमार कर रहे थे। अपने संबोधन में त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास को स्थापित कर समाजवाद को एक नए सिरे से स्थापित किया है। उनके जन्मदिन पर हम लोग कामना करते हैं कि भगवान उन्हें शतायु बनाएं। त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि जिस दिन हमारे नेता नीतीश कुमार का जन्म दिवस है उसी दिन मेरा भी जन्मदिन है। मौके पर कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र यादव, जदयू के वरिष्ठ नेता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव उमेश चंद्र पटेल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद रजा, चिकित्सक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार, पंचायत अध्यक्ष कुंदन कुमार, भवानीपुर के अनिल पोद्दार, पंकज पोद्दार, मदन दास, पूनम कुमारी, बिंदु देवी, चंदन कुमार, प्रीतम कुमार, संकल्प भारती, काव्या भारती, यूशु कुमार, आनंद कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165, 9431884830। मास्क नहीं पहने 10 लोगों से पुलिस ने वसूल किया 500 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान सघनता पूर्वक चलाया है। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा में मास्क नहीं पहने कुल 10 लोगों से 500 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है, जबकि वाहन जांच अभियान में एक भी रुपया वसूल नहीं होने पर थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा गया है। 3 टंगा माघी मेला में देशी शराब बेच रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 लीटर देशी शराब बरामद। रंगरा के 3 टंगा गंगा घाट पर माघी मेले में देशी शराब बेच रहे 3 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने तीनों के पास से 8 लीटर देशी शराब भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में कुतरू मंडल टोला निवासी सोनेलाल मंडल, वीरेंद्र मंडल और भागलपुर के पीरपैंती खुशहालपुर निवासी कीछो मंडल है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मेले में छापेमारी की थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रंगरा PHC में 132 लोगों का हुआ कोरोना जांच, सबों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रंगरा PHC में सोमवार को 132 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जानकारी देते हुए रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि रंगरा PHC में रोजाना कोरोना जांच किया जा रहा है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो वे PHC आकर कोरोना जांच अवश्य ही करा लें। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।